ओके, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स मायोसाइट सेल्स. अपन जो है ना, अपन क्या क्या पढ़े, अपन सेवन वंडर्स का पढ़ लिए, ए पी सी बोल के पढ़ लिए अपन, आर्कियोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स एंड क्वाइनोसाइट्स. अब अपन क्या पढ़ेंगे, मायोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ें अपन, मायोसाइट्स के बारे में. ठीक है, अब मायोसाइट्स से देखो किसी से भी रिलेटेड होना, लेकिन मायो बोलते हैं मुझे मायोनीज याद आ रहा. आपको तो मालूम है अच्छी तरीके से अपन मायोनीज कहाँ यूज करते हैं, यस नो? तो अपन मायोनीज कहाँ यूज करते हैं, पिज्जा के ऊपर यूज करते हैं, ठीक है, एंटीरियर पार्ट में. और अगर सैंडविच बनाते तो दो भी साइड यूज करते हैं, एंटीरियर भी पोस्टीरियर भी, है ना. और ऊपर प्रेजेंट है बोले तो नियर ऑस्क्यूलम. अब अगर अपन स्पॉन्जेस की बात करें तो ऊपर प्रेजेंट है बोलते पर अपन, तो ऊपर बोले तो ऑस्क्यूलम की बात है ना, दे आर प्रेजेंट इन द ऑस्क्यूलम. अच्छा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मायोनीज में सुम में खासियत क्या थी बोले तो फ्लेक्सिबल है था, है ना, क्योंकि बोले जहाँ बोले वो फैल जाते हैं था, तो उसको अपन फ्लेक्सिबल बोलते थे. आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड आर वेरी स्पिंडलिंग शेप. आपको ये याद रख लेना, दे आर वेरी स्पिंडलिंग शेप. तो मायो से मायोनीज याद रखे अपन फोर पॉइंट्स कैसे लिख सकते हैं, मैं अभी आपको दो मिनट में बता दें, ठीक है. दे आर प्रेजेंट नियर ऑस्क्यूलम, दे आर प्रेजेंट नियर ऑस्क्यूलम. कहाँ पे प्रेजेंट है, नियर ऑस्क्यूलम, ऊपर की साइड में प्रेजेंट है बोल के बोल रहे. दे आर प्रेजेंट, और एक क्या है, दे आर प्रेजेंट मोर एंटीरियर, मतलब ऊपर की साइड पे डालते अपन मायोनीज, एंटीरियर एंड नीचे की साइड पे डालते, नीचे को क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर बोल के बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर. और लोगों की खासियत क्या है, मायोनीज की खासियत क्या है बोले तो दे आर फ्लेक्सीबल, दे गिव फ्लेक्सीबिलिटी टू द एनिमल, दे गिव फ्लेक्सीबिलिटी टू एनिमल्स बोल के बोल रहे अपन, ठीक है. दे गिव फ्लेक्सीबिलिटी टू द एनिमल्स, दे आर स्पिंडल इन शेप. और उनका शेप कैसा रहता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको शेप, दे आर स्पिंडल, दे आर स्पिंडल इन शेप बोल के बोल रहे हैं. आ रही बात समझ में, ठीक है, वेरी गुड. अब नेक्स्ट देखिए, जब अपन ग्लैंडुलर सेल्स की बात करें, ग्लैंड बोले तो आपको क्या याद आ रहे हैं, ग्लैंड बोले तो अपने को कुछ सिक्रेट करते हैं ना, जैसे कि अपने अपने कान में वैक्स आता है ना, तो वो किसी वजह से, ग्लैंड्स की वजह से ही आता है ना. फिर अपने जो है ना, जो कभी फेस पे आप गौर करें होंगे, ऑयल आ जाता, सीबम आ जाता, जो भी है, तो किसकी वजह से आता, ग्लैंड्स की वजह से आता. मतलब ग्लैंड्स कुछ ऐसा सिक्रेट करते हैं जो स्लाइमी है था, स्टिकी है था. और ऑफकोर्स भाई, जो इतना सारा सिक्रेट करें तो उनके पास न्यूक्लियस तो होना जरूरी है. तो ग्लैंडुलर सेल्स हैव न्यूक्लियस, दे सिक्रेट स्लाइम. और लोगों क्या करते हैं, चिपचिप है, ऑयल ऑफकोर्स चिपचिप है था, मतलब अटैचमेंट उसकी बहुत अच्छी है थी भाई, सब्सटेंस से, सब्सट्रेटम से, ठीक है. और लोगों स्टिकी सिक्रेशन है, और लोगों मीसेनकाइम में प्रेजेंट है बोल के बोल. आई बात समझ में, देखो दे आर द फर्स्ट न्यूक्लिएटेड, ग्लैंडुलर सेल्स आर न्यूक्लिएटेड बोल के लिख लो, ठीक है, ग्लैंडुलर सेल्स आर न्यूक्लिएटेड. फिर उसके बाद दे सीक्रेट स्लाइम, क्या लिखेंगे अपन लोग, दे सीक्रेट, क्या सीक्रेट करते हैं लोग, स्लाइम. ईयर वैक्स बोल के मत लिख दो, दे सीक्रेट स्लाइम बोल के लिखो, ठीक है. और दे हेल्प इन द अटैचमेंट, किससे अटैच करते हैं लोग, बोल सकते हैं आप, दे हेल्प इन अटैचमेंट, दे हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ द बॉडी, दे हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द बॉडी टू द सबस्ट्रेटम, टू द सबस्ट्रेटम. आरी बात समझनी, सबस्ट्रेटम थ्रो द स्टिकी, थ्रो द स्टिकी सिक्रेशन. फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे अपन, दे आर फाउंड इन मीसेनकाइम, क्या लिख रहे हैं अपन, दे फाउंड इन मीसेनकाइम बोल के बोल रहे अपन, लोग कहाँ पाए जाते हैं, मीसेनकाइम में पाए जाते बोल के बोल रहे, ठीक है. अब अपन जाएंगे एमीबॉइड सेल्स, एमीबॉइड सेल्स तो इतने आसानी और इतना आसानी से एक्सप्लेनेशन. देखो एमीबा किसको बोलते हैं अपन, जिसके पास सूडोपोडिया था. अब सूडोपोडिया क्या है बोले तो ऐसा है था कुछ, बहुत लाइट ड्रॉ करी, लेकिन देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, देखो फॉल्स फीट जो बोलते हैं ना उसको अपन सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है. दे हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया और एमीबा, ठीक है. दे हैव सेंट्रल न्यूक्लियस, और उसमें क्या था, सेंट्रल न्यूक्लियस है बोल के बोल रहे अपन. आई बात समझ में, और क्योंकि अपन ए से अपन आर्कियोसाइट्स भी पढ़े थे, और उसमें से अपन देखे थे कि एप्पल जो है अपना, एप्पल में क्या था, फूड ट्रांसपोर्टेशन है था और डाइजेशन होता है, इसमें भी सेम रहेगा. एमीबॉइड सेल्स में क्या रहेगा, सेम रहेगा, इट हैज फूड वैक्यूल, इट हैज फूड ट्रांसपोर्टेशन, लिख लो फूड ट्रांसपोर्टेशन एंड डाइजेशन, ठीक है. डाइजेशन यहाँ पर लिख दूँ मैं, दे हेल्प इन डाइजेशन. एमीबॉइड मतलब दे हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दे हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दे हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते बोले, दे हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज सूडोपोडिया. सो क्या बोलते अपन, सूडोपोडिया बोलते बोले. और ऑफकोर्स न्यूक्लियस होना तो जरूरी है, दे हैव सेंट्रल न्यूक्लियस, दे डोंट हैव लार्ज न्यूक्लियस, दे हैव सेंट्रल न्यूक्लियस बोलते बोले. कौन सा न्यूक्लियस है, दे हैव सेंट्रल न्यूक्लियस. आरी बात समझ में. देन द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस इज पोरोसाइट. नेक्स्ट लास्ट वन इज द पोरोसाइट. अब पोरोसाइट में देखेंगे क्या है अपन, अब तक जो है नहीं, यहाँ पे देख लो, ए से आर्कियोसाइट्स पढ़ लिए, पिनाकोसाइट्स पढ़ लिए, क्वाइनोसाइट्स लास्ट वीडियो में पढ़ लिया अपन. अब मायोसाइट जो नेक्स्ट वीडियो है मेरी, इसमें पढ़े आप मायोसाइट्स और ग्लैंडुलर सेल्स. फिर अब अपन एमीबॉइड सेल्स भी कंप्लीट कर लिए, अब अपन जा रहे हैं पोरोसाइट सेल्स. आई बात समझ में, पोरोसाइट सेल्स देखो बहुत आसानी है, दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल. ऑफकोर्स बॉडी वॉल्स में पोर प्रेजेंट है ना, दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल बोल के बोल रहे अपन, दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल, दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल. लोग कहाँ पर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल, दे हैव अ न्यूक्लियस. ऑफकोर्स हर सेल में न्यूक्लियस होना जरूरी है, ऐसा है था क्या कुछ अभी सर, दे हैव अ न्यूक्लियस बोल के बोल रहे हैं, ठीक है. दे हैव प्रोसोपाइल, यहाँ पे लिखे हुए प्रोसोपाइल बोल के, और उनके न्यूक्लियस के अलावा क्या है, दे हैव प्रोसोपाइल. प्रोसोपाइल की स्पेलिंग पी आर ओ एस ओ पी एच वाई एल ई, प्रोसोपाइल. आई बात समझ में,
और अभी लोग आ रहे थे वो आपको याद कर लेना पड़ता है, एक चीज़ जो आपको याद करना पड़ा, ठीक है? दे आर प्रेजेंट बिटवीन रेडियल एंड इनकरेंट के नाम, दे आर प्रेजेंट इन, दे आर प्रेजेंट बिटवीन रेडियल एंड इनकरेंट के नाम, एंड इनकरेंट के नाम। आई बात समझ में, इट्स वेरी इजी। एक बार रिवाइज करेंगे मायोसाइट सेल से, ठीक है? मायोसाइट बोलते मायोनीज याद आ रहा है, मायोनीज से अपने को याद आ रहा है कि इन लोग ऊपर डालते हैं पर मायोनीज पिज्जा के ऊपर लगाते हैं, तो दे आर प्रेजेंट नियर ऑस्किलम, ऑस्किलम ऊपर को बोलते हैं, और सैंडविच रहा तो ऊपर भी लगाते, नीचे भी लगाते, एंटीरियर पार्ट में भी लगाते, पोस्टीरियर पार्ट में भी लगाते, ठीक है? और मायोनीज बहुत फ्लेक्सिबल रहता है ना, दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द एनिमल एंड दैट स्पिंडल इन शेप, याद कर लो आप यहाँ पे देखिए समझ जा सकते, दे आर स्पिंडल इन शेप, ठीक है? तो जब ग्लैंडुला की बात करिए तो ग्लैंडुला में ऑफकोर्स न्यूक्लिएट होना जरूरी, हर सेल्स न्यूक्लिएटेड है भाई, क्या बात कर रहे हैं आप। दे और ग्लैंडुलर मतलब कुछ स्टिकी सिक्रीशन करते हैं, तो लोग जैसे कि अपना ईयर वैक्स है, और जैसे कि अपना सीबम है, जैसा फेस पर ऑयल आ जाता है बल्कि बॉडी में आपको, दे सिक्रेट स्लाइम, और लोग अटैच कर लेते हैं, हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द बॉडी टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है? थ्रू द स्टिकी सिक्रेशन बल्कि बोल रहे हैं, टू द स्टिकी सिक्रेशन एंड देर फाउंड इन मेसेनकाइम, ये पॉइंट याद रख लो, दे आर फाउंड इन मेसेनकाइम, ठीक है? एमीबॉइड सेल्स बहुत आसानी, जैसे कि अपन अभी एप्पल का एग्जांपल लिए, तो उसमें फूड ट्रांसपोर्टेशन डाइजेशन जैसा हो रहा था, सेम मैसेज, तो उसमें दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल सूडोपोडी, आई बात समझ में। दे हैव सेंट्रल न्यूक्लियस बोल के बोल रहे अपन, आई बात समझ में। नेक्स्ट पोरोसाइट सेल्स के बारे में अपन जब पढ़ें, दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल, दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल, पोर्स कहाँ पे रहते हैं, अपने बॉडी वॉल पे चलते, दे हैव अ न्यूक्लियस, दे हैव अ प्रोसोफाइल, प्रोसोफाइल भी है लोगों के पास, न्यूक्लियस भी है बोल के बोल रहे हैं, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द रेडियल कैनाल एंड इनकरेंट कैनाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।